वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज जी ने आप मेहर करके आज श्री सहज पाठ, जो काफ़ी समा पहला लगभग 6 महीने हो गए खान प्रारंभ करवाया सी, उन्हां दी कृपा नाल आज भोग पाए गए खान। जिन्ना भी शुक्र करां सतगुरां दा उन्ना ही थोड़ा है। ते आप गुरु की संगता जिहड़े वख-वख मुल्कां विच बहुत सारियां संगतां ने इस श्री सहज पाठ नाल सरवण कीता, खास करके संथिया करन वास्ते, क्योंकि हौली हौली पाठ कर रहे सां ते उह संगतां नाल संथिया दे रूप विच भी इह पाठ करदियां। कोई ना कोई सुणिया किसी मुल्क विच्चों आया रहिंदा सी, चाहे उह कनेडा है, चाहे उह इंडिया है, चाहे न्यूजीलैंड साइड है, वख-वख मुल्कां चों, अमेरिका चों, जिथे सारिया संगतां ने सतगुरु की बाणी का सहज पाठ किया नाल नाल जां सुनिया, सभना का मैं अपने वालों तह दिलों धनवाद करदा। ते महाराज जी के चरणा च अरदास है, महाराज तुहाडी बाणी पढ़ी सुनी अपने घर दरगाह च थाए पाउण। नाल बेनती है, ये यूट्यूब ते पाठ इसी तरह ही कुछ समा होर सारा पाठ मौजूद रहेगा। जिहड़ियां संगतां ने इस पाठ नूं सुन इस पाठ ते सतगुरां दा है इस राहीं जो सुनना चाहणगियां सुन सकदियां ने। दूसरा, इस दी आप संगतां दे हुक्म मुताबक भई आडियो बनाई जावे, उहदी कोशिश है भई आडियो वख-वख प्लेटफार्मां ते 7 मई तक तैयार करके उपा दिती जाएगी। तो उत्थों भी तक के सिख संगतां श्री सहज पाठ जां संथिया करन लई जां सहज पाठ करन लई इस माध्यम दे राहीं सुन सकणगियां ते कर सकणगियां। आप जी ने इस तरह ही प्यार ते असीसां बख्शदे रहना। बाकी जिवें पहला बेनती असी उस दिन कीती सी, आउण वाले दिनां च नवें सतगुरु की महिमा खालसे का प्रगट दिवस के संबंध अंदर उस तरह जारी रहेगी। आप सारिया संगतां का शुकराना अते सतगुरु जी के चरणों च अरदासा, ते आप जी अपने कीमती सुझाव जरूर सानू देने। महाराज के प्यार विच जिन्हां ने कार्ज करवाया है, आदत है ना गुरबाणी गाउण दी जां कोई धारना बना के, उही अज भी जी चाहुंदा है। जिते शुकराना करदा सतगुरां दा जो उन्होंने प्यार दिता है, आप संगतां दा इस तरह देंदे रहना। ते कुछ पढ़ के समाप्ति करदे हां। किंज शुकर गुजारा मैं बाबुल तेरे प्यारां दा, किंज शुकर गुजारा मैं बाबुल तेरे प्यारां दा, किंज करज उतारा मैं तेरे पर उपकारां दा, किंज करज उतारा मैं तेरे पर उपकारां दा, किंज शुकर गुजारा मैं बाबुल तेरे प्यारां दा, किंज शुकर गुजारा मैं बाबुल तेरे प्यारां दा। वाहिगुरु जी।
ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।